कोटमोमन के बाद खबर शामिल करते हैं ऐसा खेल से जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जाफर चौधरी की जेर सदारत डेंगू की आगाही के सिलसिला में एक वाकया इनेकाद किया गया। इसके हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे असमतुल्लाह नियाज़ी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ईसा खैल में असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल चौधरी मोहम्मद जाफर की जेर सदारत डेंगू से आगाही के सिलसिला में एक वाकया इनेकाद किया गया। आगाही वाक में डॉक्टर मोहम्मद साजिद ने शुरका से खिताब में डेंगू वायरस के बारे में आगाही देते हुए कहा कि सोसाइटी के हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बीमारी के खतरात से अपने घर और अहले महल्ला को रोशनास कराएं। जबकि दूसरी तरफ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सरवर ने भी सिविल सोसाइटी से अपील की कि वो घर दफ्तर और दीगर अवामी जगहों को खुश्क और साफ सुथरा रखें। उन्होंने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन से भी प्रेस करें और अपने जो प्लाट्स और जो घर में बगीचे लगे हुए हैं उनके पानी उनमें पानी खड़ा होने का भी खास ख्याल रखें। जबकि एस्प्रिन वगैरह लेते हुए सेल्फ मेडिकेशन जो है उसके बारे में खास ख्याल रखें और डॉक्टर के मशवरा के बगैर जो दवाई है वो उसको इस्तेमाल ना करें। जी।